गाइस, तो ये आप खेत तो देख ही रहे होंगे, ये इतने सुंदर सुंदर ये हमारे खेत हैं और ये हमारा घर है और ये आ गई हूँ मैं वापस। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, दिस इज मी चांदनी। होप कि सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से होंगे और मज़े कर रहे होंगे क्योंकि मौसम बदल चुका है। जैसे कि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं और गर्मियाँ आ गई हैं, तो जो ये हवा चल रही है और ये मतलब फ़ैन की और एसी की हवा तो ठीक है, पर जो ये पत्तों की हवा है ना, मतलब ये पेड़ों की हवा, बहुत मज़ा आ रहा है। ये नेचुरल है सब कुछ। तो मैं आ गई वापस अपने गांव, मतलब कि अपने होम टाउन, दादी के जो मतलब घर हमारे वहाँ आई हूँ। तो देखते हैं हमारा ये वाला टाइम जब हम यहाँ बिताएंगे कैसा रहता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं पहुँची हूँ, अभी कोई और भी आने वाला है। बाकी कौन कौन आता है उनमें वो देखने के लिए आपको व्लॉग आगे देखना पड़ेगा पूरा। और व्लॉग को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिसे नहीं किया है, जो न्यू है। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में, व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। तो मिलते हैं, बाकी कौन कौन आता है उन सबसे पहले मिलवाती हूँ और मैं भी थोड़ा घूमती फिरती हूँ, थोड़ा आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो सबसे पहले, ये बचपन की हमारी यादें हैं यार, यहाँ बहुत मज़ा आता था, सीरियसली बहुत मज़ा। मतलब ये जो इसके लिए हम बहुत तरसते थे, 2 महीने की जब हमें छुट्टियाँ पड़ती थी ना समर वेकेशन जब स्कूल्स में, तो हम अपना 1 हफ्ते में जो हमें वो हॉलीडे होमवर्क मिलता था वो कंप्लीट करके हम जल्दी यहाँ आ जाते थे, क्योंकि हमें यहाँ टाइम स्पेंड करना होता था। तब तो बहुत कच्चे मकान भी थे, मतलब कच्चे कच्चे वो कमरे होते थे, ऐसे घर होते थे। अब तो सारा ये ऐसे वाला बन गया, सीमेंटेड ये वो, पर तब ऐसे होते थे। तब बहुत मज़ा आता था, बहुत इंजॉय करते थे। चलो कोई बात नहीं, तो अब मैं जो जो करूँगी आपको दिखाऊँगी, और जो पुरानी यादें भी अगर मेरी ताज़ा होंगी, जो भी कुछ देखूंगी या घूमेंगे फिरेंगे और कौन कौन आएगा, किन किन से मिलेंगे, वो सब आपको बताएंगे। तो ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। आते ही कौन मिला, देखिए हेलो, देखिए देखिए देखिए, पुरानी यादें ताज़ा हो रही। मैं सोचा यार मैं इतना बैठ गया और यार ये कितना सोना लग रहा है, तो देखा सुंदर देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है। विनोद, ये हमारा विनोद आ चुका है। विनोद तुम कहाँ से आ रहे हो? विनोद कौन है यार? मुरली मी, मैं इतना तगड़ा है कौन है? इसने ना मेरे मजाक की कर दी है XYZ, क्योंकि एक विनोद वाला बहुत ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम पे चल रहा था, तो मैंने इसको विनोद बोल रहा वो कौन है? वैसे तो ये मुरली है, वैसे तो ये मुरली है। कुछ कैसे तू ऊपर आया कदू है? तू वैसे नुशारा कैसे लग रहा? मी ये अच्छा लग रहा यार, ये बढ़िया है यार, है ना? तो मिस करना अपने ग्रां की, ये साड़ा ग्रां, ये आज जा साए नशहरे। तो आपको एक और बात बताना, तो मैं भूल ही गई कि मैं तो आ गई हूँ, जो यहाँ की चाबी है वो मेरे चाचू के पास थी, और मेरे चाचू चले गए थे घर, मतलब कि जम्मू, तो वो चाबी ले गए थे अपने साथ, और हम हो गए हैं इस टाइम पे बेघर, क्योंकि घर पे लगा है ताला, और इसलिए मैं यहाँ बैठ के अभी तक वीडियो बना रही थी। जो वीडियो मैंने आपने पहले देखा ना क्लिप, वो मैं यहाँ बैठ के बना रही थी। ये हमारी सुंदरता, हमारे इस घर की, बस इतने घर। अच्छा लग रहा है अपने घर को देख के, काफ़ी टाइम के बाद जो मैं अपने घर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, तभी मुझे अच्छा लग रहा है ज़्यादा बोल सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं, मतलब पहले यहाँ लोग दिखते थे दोपहर को बाहर बैठे होते थे कहीं पेड़ों के नीचे खट्टे डाल के, आजकल दिखते ही नहीं हैं, सब अपने अपने बिजी हो चुके हैं। एक चीज़ यहाँ न्यू हो गई कि हमारे घर के बैक साइड पर बन गया गली, ये वाली जो कि पहले ये टाइल्स नहीं पड़ी थी, ये अभी स्टार्ट हुई है। ये हमारे घर का बैक साइड है, यहाँ पे एक गेट था ये वाला जो कि टूट चुका है और बेचारा साइड पर लग चुका है, ये ओपन है। ये भी साइड बता देती हूँ, बैक साइड ऐसी है, ये पीछे पहाड़, ये सब हाल है यहाँ इस तरीके से। अच्छा है, खूबसूरत है, मेंटेन करके रखा जाए तो, वरना नहीं। हवा बड़ी अच्छी चल रही है, मुझे तो मज़ा ही इस चीज़ में आ रहा है, क्योंकि यही मौसम होता था जब भी हम आते थे, इतनी अच्छी हवा और पेड़ों के नीचे बैठ जाना खाट डाल के, जैसे कि भाई साहब बैठे हैं पेड़ के नीचे इतना मंजी डानी इतनी बह जाना यार। तो दोस्तों उसके बाद निकल गए मैं और मेरा भाई, तो ये हमारे रास्ते में पीर बाबा जी बहुत माने हुए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हम दोनों निकल गए, बाइक निकाली हमने, हमने सोचा चलो अब शाम की गेड़ी मारी जाए। रात की गेड़ी तो होती है शाम की, क्योंकि सनसेट हो रहा था, हवा बहुत प्यारी थी, और हमें चाचू का कॉल भी आ गया था। वैसे उन्होंने कहा था कि आ जाओ मार्केट तक, हम लोग भी पहुँचने वाले हैं, वो नहीं बताऊँगी कौन कौन, वो आप आगे देख लेना। तो उन्होंने कहा कि कुछ खाते पीते हैं सब साथ में और फिर चलते हैं वापस, क्योंकि हमारे घर से मार्केट इतना दूर नहीं है, 1 किलोमीटर या जो नौशहरा छोटी सी सिटी है,
वहाँ से 1 किलोमीटर ही दूर है हमारा घर जो है, और उसके बीच में जितना भी सारा एरिया वो सब आर्मी एरिया आता है जो कि आप देख रहे हो। और ये है वो पार्क जहाँ बचपन से इतना खेलते थे हम, जब भी दादी घर आते हम पूरा दिन यहाँ, मतलब हमारे घर वाले ना उनको पता होता था ये यहीं मिलेंगे। तो बातचीत करते करते हम लोग पहुँच गए थे मार्केट। मार्केट शाम के टाइम बड़ी सुंदर लग रही थी, वैसे लोग इतने नहीं थे आज, पता नहीं क्यों छुट्टी थी शायद से। और इंतज़ार करते करते हो गई थी शाम, तो हमने सोचा हम कुछ खा लेते। हमने खाए गोलगप्पे, जितनी देर हमने गोलगप्पे तो ये मिल चुके हैं हमें। तो ये जो मिले हैं इनकी हालत देखो, पहले सबसे पहले इनकी हालत देखो। बेड़ बकरिया, बेड़ बकरिया, वेलकम वेलकम टू नौशहरा गाइस, वेलकम। आगे हैं हम 1 साल बाद अपने होम टाउन में। पापा पापा, तो पापा क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते, ये देखो मुझे लगा आ, वो जो जोरी का फर्स्ट वाला वो नहीं है लाइन, मुझे लगा था जोरी से आ रहे हैं हम। पापा मुझे बोलते हैं हम जोरी वाले, ज्यादा बातें नहीं कर रही है, चलो कहाँ जाना है आगे। अब हमने ऐसा सुनो तो गोलगप्पे खा, गोलगप्पे खाने बहुत टेस्टी गोलगप्पे। अगर आप खाना चाहते हो ना आप ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे का रास्ता क्या दिखाया, ये तो पूरी पलटन ही आ गई। किस किस ने खाने हैं गोलगप्पे? भैया 1 2 3 4 5 6 छह बंदों की अपनी कटोरियां ले लो पहले अपनी अपनी। चंदा दीदी, चंदा दीदी बनी है गोलगप्पे वाली, भैया के साथ कोलियां बांट रही है। गोलगप्पे वाली आंटी हमें भी दे दो। गोलगप्पे वाली आंटी को ध्यान ही नहीं है अभी, कोई गल नहीं। चंदा दीदी हेलो गाइस, हमारे न्यू गोलगप्पे वाले, आप भी टेस्ट करिए यहाँ आके नौशहरा में। ये भैया गोलगप्पे लगाते हैं, और हम पिछले 15 साल से जब से छोटे छोटे नहीं मन्नत इसके ध्यान से जीते हैं ना। नहीं कोई गल नहीं, तो हम इनको गोलगप्पे खाने से मैं शूट करूँ, ठीक है? सबको मिल गई, साइल गिर गया बाबा के साथ, गए ना साइल से। ठीक है ठीक है, खाओ खाओ। कैसे लगे? हाँ? अरे मुझे नहीं देखा कभी, अच्छा लग रहा है? गोलगप्पा टेस्टी है? मिर्ची है? मिर्ची कैसे लग रहा है? बोल बोल के बता, बोल के बोल के बता। चाची मजा आ रहा हमको, अच्छी गोलगप्पे है, बहुत मजा आ रहा है। रिव्यूज दे पहले, रिव्यूज। तूने एक टेस्ट किया ना, ये बहुत क्रंची क्रंची अच्छी है ना, ठंड पानी भी ठंडा काफी है। देखो आज हमने लगाई गोलगप्पे की रेड़ी। साहिल भैया उधर छुपे हैं, साहिल खाने और इधर सामने, साहिल और खाने बस। गुड़िया जी आ चुके हैं हमारे पास, मन्नत जी इनसे तो हमने गाड़ी में मिलवा लिया था, बड़े पापा और बाकी वाले जो नफरी है वो बाहर है, मैं आपको मिलवाती हूँ। ये हम दोपहर को, मेरे पास चाबी नहीं थी ना। इनके नाम पहले बन गया ब्लॉग। ये आ चुके हैं जैस भैया। अच्छा अच्छा, ये लाड प्यार हो रहा है, यहाँ मैच देखा जा रहा है, अमीर बनना करोड़पति, ये करोड़पति बनने वाले हैं एक दिन में, जिसको करोड़ों की जहांगीर मिलेगी वो करोड़पति बनेंगे। हाँ। कह रहे हैं बॉल चढ़ानी है बड़ी वाली। वाह, वो अगले बंदे ने सुना भी नहीं हमने बोला क्या, पर पूछो अगर शर्त हो जाए, अगर पूछा हो तो बताओ, याद हो तो मैं करोड़ों की जहांगीर बेचने के लिए तैयार था भाई। बता दू पहले, सबसे पहले एक मिनट के चाय हमने रेडी कर दी है, और हमने साथ में देनी है इनकी कचौड़ी, कचौड़ी मेरी स्पेशल टूटी फ्रूटी वाली केक ब्रेड, मतलब मैंने आपके लिए खास कुछ लाया है। यार टूटी फूटी ब्रेड थी, मतलब इसका नाम टूटी फूटी था, तो मैंने सोचा इसको तोड़ के देती हूँ, इसलिए हमें बोलते हैं ब्याज से लाते हैं ठंडी से उधर, तो ये वहीं से लाइए ना, ये वहीं से मंगवाइए स्पेशल। हम कहीं दूर नहीं, हम भी उधर ही जाते हैं जहाँ आप जाते हो, ठीक है? तो ये महफिल, अच्छा दूर से दिख रही थी, पास से दिख रही, ये सब आराम से हमने भी ये वहीं से लाई है, तो आप चखें
मम्मी और चाची अभी उधर ही हैं। बोला आपने 1 मिलियन क्रॉस करेंगे इस वीडियो में। हाँ इस वीडियो में। चलो मैं देख लेती हूँ। ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ ब्लॉग बना रही हूँ। ठीक है तो ये सब होगी इनको चाय अभी रात को 10:30 बजे तो खाना खाएंगे रात को 12:30 बजे ये बॉर्डर साफ है और ये देख लो बॉर्डर की ये लाइट्स वगैरह ये साथ में रात को गोले शोले पड़े तो आवाजें हमें आ जाएंगी यहाँ पे है ना गोले देखिए गुड़िया चाय पीजिए आप भी चाय पीजिए आज आइए आइए मैं आपको चाय पिला हम भी चाय चलो ये व्लॉग है दोस्तों मैंने कहा क्या सबसे पहले आपको क्या कहा था सब काम हो जाते हैं बस ये गर्म हो रहते हैं ऑल टाइम आपको ये हमेशा गर्म ही दिखेंगे इनका गर्म स्वभाव जो है वो कभी शांत नहीं होगा तो मैं बताना भूल गई कि मैं गर्म हाँ जी कुछ चीज बता दूं कि हमारे यहाँ ना हमारे पास ना तो अवेलेबल था इस टाइम पे गैस सिलेंडर क्योंकि वो खत्म हो चुका था और किसी को भी रिफिल कराना याद नहीं रहा तो इसलिए हमें ये जुगाड़ करना पड़ रहा है आज इंडक्शन पे 1 इंडक्शन एंड 2nd इंडक्शन और हमारा स्विच भी खराब हो जाए जैसे कि हम बहुत देर के बाद यहाँ आते हैं और ये हमारा ओपन होता है तो आज ये सारा कुछ बनेगा ये देखो हीना ने ये कुछ ज़्यादा क्रंच कर दिए कुरकुरे कर दिए बाकी मैंने बचा लिए थे तो लग रहा है तड़का लगाते हैं तड़का और फिर मिलती हूँ आपसे ओके बाय बाय टेक केयर मेरा चाचू भी मेरे साथ दे रहे हैं यार इसमें ये देखो चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बातें करते हुए चिल्लाते हुए हम पे सब टाइम पे हो जाता है बस इनको गुस्सा ही गुड में चलो मैं बनाती हूँ खाना बस गुस्सा नहीं करना मैं किचन दस गई मैं किचन में दिखाती हूँ यार हमने सारा सामान अपने किचन में जो ये है किचन का हाल हमने सब कुछ यहाँ से निकाल दिया फिर चलो खाना बनाते हैं उसके बाद मिलते बहुत हो गया टाइम काफ़ी हो गया रोटी खाने का टाइम हो गया ठीक है बाय बाय टेक केयर देखो गुड़िया जी यहाँ बैठ गए गप्पे शप्पे मारने मुझसे और वो मन्नत वहाँ सोई है और बाकी वाले बाहर सोए हैं हमने एक्चुअली खाना वगैरह खा लिया तो काफ़ी थक गए थे खाना वगैरह खा के सबको खिला के हम अब लेट चुके हैं और अब मेरा ये सोफा ना पहले घर पर होता था मतलब हमने यहाँ शिफ्ट करवाया था इस सोफे पर हम रात को कभी कभी इसी में सोते थे और हम सामने टीवी लगा देते थे और इसी में लेट गए से टीवी देखना होता था तो ये तो अब न्यू चेंज करवाया था उसके बाद ये मैरून कलर का था पहले है ना इस पे ही हम लेट के टीवी देखते थे आज मैं वही दिन याद करूँ तो आज मैंने बोला आज मैंने इसी बस होना है दोबारा से आज देखते प्यारी नींद आएगी दोबारा से वो बचपन वाले दिन याद आएंगे है ना और गुड़िया बोलती मुझे सोने का मौका था मैंने बोला नहीं इस पर मैं ही सोऊंगी तो गाइज ओके टेक केयर गुड नाइट फिर मिलते हैं मॉर्निंग में आपसे ठीक है और कल क्या है वो आपको कल बताएंगे बाय बाय गुड नाइट